वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सिल्वर नो भाई। आज हम करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का एक डिटेल्ड रिव्यू। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, चाहे प्लेसमेंट हो गई, चाहे कट ऑफ हो गई, चाहे स्कॉलरशिप हो गई, कैंपस कैसा है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम इस कॉलेज के बारे में। आई पी वो तुम्हारा एक कॉलेज है तो यार, और इस कॉलेज के बारे में बातें करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। सारे कॉलेज के रिव्यू आते रहेंगे चैनल पर, तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा रिव्यू कब आ रहा है, तो उसके लिए एकदम अपडेटेड रहोगे। एकदम से फटाफट सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। बात करूँ अगर मैं तो ओवरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बात करूँ तो देखो यार, सबसे पहले तो इसके एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली में तुम्हारा रोहिणी में सिचुएटेड है ये कॉलेज, ठीक है। बात करें इसके थोड़ा बहुत ओवरव्यू की तो यार, 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था तुम्हारा ये कॉलेज। 6 एकड़ का छोटा सा कैंपस तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें इसके मोड ऑफ एडमिशन के थ्रू जेई में, तुम्हें आईपी की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, उससे तुम्हारा मोड ऑफ एडमिशन हो जाएगा। और इसमें डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा गेट कॉलेज एडमिशन थ्रू के .com। और इसके अंदर तुम्हारे स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दिख रही होगी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन के लिए, तो यार जाके पूरा पूरा फायदा उठाओ। बात करें इसके कोर्सेज की तो तुम्हें बीटेक देखने को मिल जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यार। रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ एनआईएफ रैंकिंग की तो 250 से 300 के बीच में तुम्हें देखने को मिल जाएगी इसके एनआईएफ रैंकिंग। बात करूँ कनेक्टिविटी की तो यार, पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ता है तुम्हारा, ठीक है। और 23 किलोमीटर तुम्हारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, 21 किलोमीटर तुम्हारा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पड़ता है, 12 किलोमीटर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सो काफ़ी मतलब नज़दीक है सारी जगहों से, मेट्रो से तो काफ़ी नज़दीक है, उतर दी तुम्हें यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 23 किलोमीटर भी काफ़ी पास ही है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ही ज़्यादा रीजनेबल फीस, 5.44 लाख में तुम्हें पूरी बीटेक कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। तुम जैसे प्राइवेट कॉलेज में इतने सारा पैसे दोगे, 20-25 लाख रुपए दोगे, ठीक है, वहाँ तुम्हें कैंपस जरूर अच्छा मिल जाएगा, बट प्लेसमेंट तुम्हें इसी की लेवल की मिलेगी ऑलमोस्ट। तो यार इसमें तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सही कॉलेज है ये, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ये निकल कर आता है। बात करूँ मोड ऑफ एडमिशन की तो मैं पहले बताते थे, जेई मेन और मैनेजमेंट कोटा, स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रही होगी। बात करें स्कॉलरशिप की तो यहाँ तुम्हें स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स दिख रही होगी, कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड होती है। बट बाय द वे यार, स्कॉलरशिप की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि 6 लाख में अगर तुम्हारी पूरी इंजीनियरिंग खत्म होते हुए नजर आ रही है तो यार वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ सारी मतलब सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, क्योंकि यार DTU जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी 9 से 10 लाख चार्ज करता है 4 साल के, और ये प्राइवेट होने के बाद भी 6 लाख चार्ज कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नजर आता है, ठीक है। बाय द वे सारी स्कॉलरशिप की मैंने डिटेल्स डाल दी, तुम यहाँ देख सकते हो पॉज करके, सारी डिटेल्स दिख रही होगी स्कॉलरशिप की। बात करें कोर्स ऑफर की तो यार ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगी, IT देखने को मिल जाएगी, EC देखने को मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाएगी, IC देखने को मिल जाएगी। नहीं ये अच्छी बात नहीं कि ये सारी ब्रांचेज है, अच्छी बात ये है कि काफ़ी कम इनटेक है और काफ़ी कम ब्रांचेज है, 120, 180, 60, 120, 60 इतनी ही इनटेक है, ज़्यादा इनटेक लेते नहीं, इससे कॉम्पिटिशन आगे जाके थोड़ा कम ही रहेगा तुम्हारे लिए, वो एक बेनिफिशियल है, ज़्यादा इंटेक ले भी नहीं सकते क्योंकि छोटा कैंपस है। बात करें प्लेसमेंट की तो यार 7 सेमेस्टर से तुम एलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट में बैठने के लिए। कंपनी HCL, Amazon, Flipkart कैंपस में आती है और दिखती है, काफ़ी कम बच्चे लेके जाती है बट हाँ दिखती है। एवरेज पैकेज यहाँ का तुम्हें 6 लाख देखने को मिल जाएगा और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ तक जाता है इस कॉलेज का। बात करें यार तो अप टू 80% बच्चा यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं CSE, IT और EC कंपनी में से। CSE का थोड़ा परसेंटेज और हायर चला जाएगा, अराउंड 90% तुम देखने को मिल सकता है। काफ़ी मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट का सीन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहता है। बाकी अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की तो यार अगर तुम दिल्ली से बाहर हो, मतलब यहाँ दिल्ली कोटा तुम्हें देखने को मिलता है, 85% दिल्ली कोटा है, अगर तुम दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी कट ऑफ तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 40,000 के अराउंड मिल जाएगी। तो वो परसेंटाइल बनी अराउंड 96-95 के अराउंड, वो परसेंटाइल बनी 40,000 रैंक। बात करें तुम्हारी अगर इसमें IT तुम्हें चाहिए तो वो 46,000 के आसपास तुम्हें देखने को मिल जाएगी अगर तुम दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हो। अगर तुम दिल्ली के स्टूडेंट हो तो तुम्हें कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगी, 70,000 में तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा CSE की अगर मैं बात करूँ। और अगर मैं बात करूँ IT की तो वो 80,000 तक तुम्हें देखने को मिल जाएगा, 80,000 रैंक लाने पे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। बात करूँ थोड़े बहुत और प्रोस की इस कॉलेज की तो यार इसका जो करिकुलम है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ तुम्हें सारी चीज़ें दिख रही होगी प्रोस वगैरह के बारे में। ऑसम प्लेसमेंट्स, ऑसम मतलब काफ़ी सही प्लेसमेंट्स तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। कोरोना की वजह से अभी थोड़ी सी कम है बट वैसे काफ़ी ज़्यादा इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। बात करें तो यार ये जस्ट बिलो है पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के, तो काफ़ी ईजी हो जाता है कम्यूट करना। बात करें तो एडोबी भी यहाँ पर इंटर्नशिप देने के लिए आई थी, जो 20-25 हज़ार का स्टाइपेंड ऑफर किया था। बात करें इसके कॉन्स की तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अटेंडेंस से। और एक और कॉन्स यहाँ पे है कि लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस कॉलेज में, तो उस वजह से काफ़ी हैम्पर होता है स्टूडेंट्स को, लाइक क्या तुम्हें कुछ काम करना है तो डिस्टर्बेंस वगैरह है, कुछ भी करना है, ठीक है। और बात करूँ साइज़ और कैंपस कुड बी अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि यार हाँ 6 एकड़ काफ़ी छोटा कैंपस नज़र आता है,
बट हाँ यार, थोड़े बहुत अगर इसके मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ तो मैं सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम तो मैं देखने को मिल जाएगा। 200 मीटर का एक ट्रैक भी अवेलेबल है फॉर रेसिंग के लिए, तो काफ़ी हाँ अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कॉलेज में देखने को मिलती है छोटा कैंपस होने के बावजूद भी। बात करूँ कल्चरल फैसिलिटीज़ की तो काफ़ी अच्छी कल्चरल फैसिलिटी है टू बी ऑनेस्ट। पैराडॉक्स आया था यहाँ पे तो हाँ यार, मतलब लाइक फर्स्ट कॉन्सर्ट इनका था फेस्ट में, तो हाँ काफ़ी अच्छा है ये। बाकी सारे तो मैं डिटेल्स दिख रही होगी। अगर इसकी लाइब्रेरी की तो तुम्हें थोड़ी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी स्पेशियस लाइब्रेरी है, हर काइंड की बुक तुम्हें देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ बुक्स वगैरह तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ दिख रही होगी फॉर लाइब्रेरी। सो यार, यही था एक डिटेल रिव्यू ऑफ भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है यार, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। IPU के मतलब टॉप 5, टॉप 6 के अंदर ही अपनी जगह बना के रखा हुआ है और काफ़ी आगे आई थिंक सो प्रोग्रेस करेगा। बस एक इसका कौन है कि थोड़ा छोटा कैंपस तुम्हें देखने को मिलता है, अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। तुम्हारे ई रिक्शा के पैसे भी बचेंगे, डेली सीधा से मेट्रो उतर के कॉलेज जाओ। ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट लॉन्ग रिव्यू किस पे चाहिए, उस पर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया था अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में तो डिटेल स्क्रीन पर वापसी दिख रही होगी, उनको जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यार यही था आज के लिए एक छोटा सा रिव्यू भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। होप करता हूँ अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।